जी जान दे भगती लाए हर सो लैन मलाए ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा सदन सदै कर समझो मन ही मान उदासा जत की जटा योग को मर्जन नेम के नगन बढ़ाओ ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विरोध लगा अलग आहार सुलभ सी निद्रा दया क्षमा तन प्री शील संतोष सदा निर्वाहो काम क्रोध अहंकार लोभ हट लोभ न मन सम लावे तब ही आत्म तत् को दर्शे परम पुरख कह पावे संन्यास इहदे अखरी अर्थ ने सुन विच आसन निर्विचार अवस्था निष्कर्म अवस्था कर्म करत होवे नए कर्म अगर पकड़ भी चावे मैं ऐसा करना मेरे किसी भी कर्म नाल मैनू परमात्मा मिल सकता है वो कर्म परमात्मा की कीमत हो गई वो कर्म परमात्मा का मुल हो गया परमात्मा अमूल्य है तो मैं कर्म ना करा कहने कर्म करत होवे नह कर्म कर्म करदया करदया कर्म शरीर का कर्म मन का कर्म की है विचारों का चलना सोचने का चलना यादा का चलना चल रही यादा चल रही विचार
चल रही सोचनी उस अवस्था पे पहुंच जाए जब मन निर्विचार हो जाए, मन सुन हो जाए, सुन समाओ अनहद कह ना कहन न जाई अचल बिस्मार। बदकिस्मती ये है कि सिख जगत विच गुरुद्वारे बहुत सोने सोने बनाए गए, इन्हां 50 सालां विच गुरुद्वारे बहुत सुंदर बने सारी दुनिया और देश देश भी बहुत सुंदर सुंदर स्थान बने। गुरुद्वारा सुंदर बनेगा सेवा नाल, दान सेवा है, सिख सुंदर बनेगा सिमरन जप नाल। गुरुद्वारे सोने होंदे गए सिख के करूप होंदा गया, अद्धा पंजाब का नौजवान ते पदर हो गया। गुरुद्वारे ही सुंदर बने कारण सारी शरीरक आर्थिक दिमागी शक्ति गुरुद्वारिया बनाण ते ला दित्ती। दरअसल सिखी बनाण विच भी समा चाहीदा सी, खर्च भी चाहीदा सी, इस पासे दी सोचनी पैदा ही नहीं होई। उह जप नाल आउंदा है, उह सिमरन नाल आउंदा है। सिमरन दी शिखर तां है सुन विच आसन, सुन सवाल अनहद तै नाद कहन न जाई अचल बिस्मार। इतनी बिस्मादमयी अवस्था, इतनी आश्चर्य भरी अवस्था, बड़े सुंदर अनाहद नाद। महाराज कहने ने मैं कथन ही नहीं कर सकता, बयान ही नहीं कर सकता, कहन इस अवस्था तक पहुंचने वास्ते आरंभता कितों होगी। जो संसार को निराश हो गया है वो उदास हो गया है, जो संसार तो निराश हो गया है उदास, वो अपने को आके डिग गया है, अपने नेड़े आ गया। अपने नेड़े कौन आएगा जो सारियां तो निराश हो गया, ओही उदास होता है। निराश के उदास के दो अवस्थाना है, उदास ओही होगा जो निराश है। किस गल तो निराश है? संसार मेरी लोड़ा की पूर्ति कर सकता है, मैनु सुख नहीं दे सकता। परिवार मेरी लोड़ा की पूर्ति कर सकता है, मैनु सुख नहीं दे सकता। पदार्थ ते धन संपदा मेरी लोड़ां दी पूर्ति कर सकदा है, मैनु सुख नहीं दे सकदा। अगर सुख मिल सकदा तो परिवारां वाले रोंदे फिरदे ना, छोटी दे धनवान गमगीन ना आउंदे, चिंता तुर ना आउंदे। बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रो। लोड़ां दी पूर्ति हो सकदी है, सुख नहीं मिल सकदा। इधर दूजा पहलू मैं बयान करा, अगर मैनु संसार को सुख भी मिल सकता है तो फिर निरंकार की लोड़ नहीं है। अगर मैनु परिवार को सुख भी मिल सकता है तो फिर निरंकार की लोड़ नहीं है। अगर मैनु पदार्थों को सुख भी मिल सकता है फिर मैनु परमात्मा का चिंतन करने की की लोड़ है, सुख नहीं मिलेगा। लोड़ा की पूर्ति ये समझ जिस दिन आउंदी है, समझ उस बंदे नूं सत्संग करन दा फल मिल गया, उस बंदे नूं बाणी दे पाठ करन दा फल मिल गया, क्योंकि ये समझ आ गई है। इत्थों ही फिर परमात्मा दी जगियासा पैदा होए, उस तों पहले नहीं। जो इस जीवन तों निराश नहीं वो उदास भी नहीं, और जो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं है। जो संसार तो निराश नहीं वो उदास भी नहीं, और जो उदास नहीं मैं फिर अर्ज करा वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थों तो निराश नहीं, किस गलों निराश, मेरी लोड़ा की पूर्ति हो सकती, मैं सुख नहीं मिल सकता।
मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, अगर मैं पदार्थों को सुख मिल सकता है फिर परमात्मा की कोई लोड़ नहीं, अगर मैं संसार को सुख मिल सकता है फिर निरंकार की कोई लोड़ नहीं, अगर मैं परिवार भी सुख दे सकता है तो फिर करतार की की लोड़ है। मनुख को सुख चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मनुख की मूल मन सुख सुख स्वरूप परमात्मा है। इस वास्ते नास्तिक कोई नहीं, नास्तिक तो नास्तिक मनुख को भी सुख दे चाहिए, उन्होंने कितना भी कुछ मिल जाए सुख तो उधर मिलेगा जब प्रभु मिलता है, उसको कह रहे हैं सुख ना ही हर भगत बिना। उदास मनुख ही परमात्मा की तलाश करेगा, दूजा नहीं। और जिसने परमात्मा लब लिया है तो परमात्मा का लबना की है, परमात्मा हो जाना, जिवें बूंद सागर दे चलीन होके सागर ही हो जाना। और की आखिए बूंद ने सागर लब लिया, नहीं बूंद सागर हो गई, सागर ही हो गए। मनुख परमात्मा का रूप हो जाता, हर का भगत सो हर ही है। संत राम में भेद कछ नाही, एक जन कई में लाग करोई। हर हर जन दो एक है, विविचार किछ नाही, जल पे उपजे रंग जो जल ही बिखे समाई। बिगड़ो कबीरा राम दवाई, साच भयो अन कदे न जाई, संतां दी संगत करके ऐसा मैं तब्दील होया, कबीर कहने मैं सच हो गया। तो सच ते परमात्मा है, सच ते ईश्वर है, कबीर कहने आपा भी सच हो गया, साच भयो। संस्कृत विच सच नूं सत कहिंदे, ईश्वर की है सत है, फिर सत दी ही सारी व्याख्या है। ईश्वर की है सत, सत नूं पंजाबी उर्दू च कहिंदे ने सच, इन्हों फारसी विच कहिंदे ने हक। हक दा मतलब की है सच, हकीकत सच्चाई, हक सच। भाई साहब भाई नंदलाल कहिंदे ने हक हक अंदेश, गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश, गुरु गोविंद सिंह धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, थोड़े दर्शन हक दे दर्शन ने, सच दे दर्शन, थोड़े कोल बैठे हैं सच याद आता, थोड़े कोल बैठे हैं सच का पता चलता है, सच परमात्मा है, सच परमेश्वर नितना। कबीर कहते हैं आप सच हो गए, कबीर मिट गए सच हो गए, कबीर मिट गए राम हो गए, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा, एक भय है कोई ना सके पछाने। जब कोई दरिया सागर दे चलीन हो जाता है, दरिया का नाम खो जाता है, दरिया का मुलक भी खो जाता है, किड़े मुलक तो आया है। अपनी ज्ञातली अर्ज करा, सारे दरियावान के नाम ने और अपने अपने मुल्कों में बगते हैं, गंगा है, जमुना है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी है, भारत दे दरिया, दजला फरात इराक दे वगदा है, नील नदी मिसर दे वगदी है, थेम थोड़े इंग्लैंड दे पिया वगदा है। पर जब सागर दे चलीन हो जाने तो लबो थेम नु, थेम किथे है, लबो गंगा नु, गंगा किथे है, जमुना किथे है, गोदावरी किथे है, नर्मदा किथे, सतलज किथे, ब्यास किथे, सब खो गए। सागर दे चलीन हो गए, सारी दरिया सागर हो गए, दरियावां की होंद खो गई, दरियावां का नाम भी खो गया। हुण कोई गंगा नहीं कहता, कोई नर्मदा नहीं कहता, सब समुंदर ही कहते, सागर पे कहने। जब भी कोई परमात्मा दे चलीन आता है, उसकी जात खो जाती है, मजहब खो जाता है, सब कुछ खो जाता, ना रूप का माण, ना रंग का माण। क्यों? परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं, अरूप है, अनूप है, परमात्मा का कोई मजहब नहीं। बोल मैं थोड़ा
अपने सामने रखा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे नमस्तम अमरवे नमस्तस्त अजवे जाप साहब नमस्कार है प्रभु तेनू तेरा कोई मतलब नहीं ना तू हिंदू है ना तू मुस्लिम है ना तू सिख है ना तू ईसाई है ना तू जैनी है ना तू बौद्धी है ना तू यहूदी है ना तू पारसी है तेरा कोई मतलब नहीं नमस्तम अमजवे नमस्तस्त अजवे हे अजब स्वरूप परमात्मा तेरा कोई मजहब नहीं तेनू नमस्कार नाम मजहब सिर्फ पहुंचने के रस्ते है रस्तियां दे नाम इस्लाम एक रस्ते का नाम है हिंदू सनातन मत एक रस्ते का नाम है सिख एक मार्ग का नाम है यहूदी एक रस्ते का नाम है जिथों जिथों दरिया ने लंघ के सागर तक जाना है और जैसे सागर दे च पहुंचता है मुल्कां दे नाम दरियावां दे नाम खो जाते हैं कहो कबीर कुल जात पात तज चीटी होए चौंका कुल जात पात मजहब सब मिट जाता है वो परमात्मा का रूप हो जाता है ईश्वर का रूप हो जाता है उदियां सारियां सीमावां टुट जांदियां सारे दीवारा टुट जांदियां ने उते व्यर्थ हो जांदा है ऐसा मनुख परमात्मा दा रूप होंदा है साच भयो अन कते न जाई इस अवस्था दे जद कोई पहुंचदा है सनातन मत विच उस नूं कहिंदे ने सन्यासी हो गया इत्थे सन्यास फलत हो गया इह सुन दे सवाल ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਫਲਿਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਦੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਸੁਤਵਾ ਧਰਮੰ ਵਿਜਾਨਾਤੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਸਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਦਾਸ ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ ਨਾ ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰਮੌਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸੁਣ ਉਹ ਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸਰਵਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰੋਤਾ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ
श्रोता होना बहुत औखा कठिन है, कठिन है। लोग शौकिया तौर पर अपने घर भी अखंड पाठ रखा लेंगे ने, पर जिस कमरे रखाने उड़ना ही भुल जाने कि सुनना ना पहले कौन सुनता है, कौन सुनता है? सुनना इतनी सौखी खेड नहीं है। जबान पाठ करी जा रही है, गा लिए सुनिए, जो गा रहे हैं सुन गा के ये बोल बार प्रकट हो रहा है, सुन के अंदर जाएगा। तो अंदर गया ही नहीं तो तब्दीली की होगी, परिवर्तन की होगा। चलो मैं एक नुक्ता बयान करा, जो भोजन की बुरकी मेरे तन के अंदर गई नहीं, वो मेरा मांस नहीं बनेगी, मेरा खून नहीं बनेगी, मेरी चर्बी नहीं बनेगी, बुरकी अंदर ही नहीं गई। जो शब्द, जो बोल, जो मंत्र मैं सुनिया ही नहीं, वो मेरे मन में प्रवेश नहीं करेगा, तो मेरी मन की दुनिया में की बदलेगा? ना समाधि बनेगा, ना आनंद बनेगा, ना महारस बनेगा, नहीं बनेगा। ये भी मैं सुनना बहुत कठिन है। भोजन की बुरकी तो असं अंदर कर लेने, वो पच के ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਮਨ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ तो एक दफा का वाहेगुरु आख्या होया जन्मां जन्मांतरां दे पाप धो देंदा और मनुख नूं ब्रह्म ज्ञानी बना देंदा है। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण की लोड़ नहीं, एको ही दफा कर। एक चित जै एक छिन्ह ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। इस सिमरन दीआं कुछ इतनियां बारीक विचारां ने ते मैं जिन्ना समा है सोचता पाया, ये कई पहलू थानू बयान करने होंगे ने, इस वास्ते टूक मात्र ही मैं सब कुछ अर्ज कर रहा। सुतवा धर्मन विजाना थी, सर्वन करने से ही धर्म की प्राप्ति है, उपनिषदों के विषय ही कहते हैं। नानक भगता सदा विलास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुन के ही सारे पाप नाश हो जाए, सुन के ही सारे दुख नाश हो जाए। पर 40-40 साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे दुखी ने, परेशान ने, बेहाल ने, बेचैन ने, कंजन कीर्तन सुनन जा रहे हैं, सतगुरु की बाणी सुनन जा रहे हैं। सोते को दुख नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, सुनना अति कठिन है, अति कठिन है। ये भी मैं अर्ज कर रहा, मैनू एक अंदाजे के मुताबिक 50 साल होने लगे ने कथा कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र तो सतगुरु ने इस पासे लाया। मेरी किसी खोखी निर्माणता ना समझ लेना, अज भी सुनना कठिन है। वाहेगुरु उचारना चलो घंटा कर लो, अद्धा घंटा मन नहीं सुनता, मन बोलता है। हुण जबान भी बोले ते मन भी बोले, फिर सुने कौन, कौन सुनेगा? हर एक दा मन बोलता है, जबान चुप भी होवे तां भी मन बोलता है, जबान ते जब चलती है तां बोलती है, जबान चुप भी होवे तां भी मन बोलता है। मन ते चुप करदा ही नहीं, रात नूं सो जाईए ते सुपने दी दुनिया रच के भी बोलता है, मन नहीं चुप करदा। मन जिसका चुप कर जांदा है उत्थे ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जांदा है। सारी साधना ते मन नूं चुप कराण दी है, सुणे ये, सुणे ये, बोले ना। सनातन मत दे कुछ ऋषि मुनियां ने एक कांड कढ़ी कि जिन्ने चिर तक मन नहीं चुप करता सी जबान नाल भी नहीं बोलते, मोनी बन गए, मोनी जी महाराज चुप नहीं बोलते। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं हो, चुप है चुप ना हो गए, जबान दे चुप करन नाल भी मन चुप नहीं करेगा, नहीं करेगा, मन बोलता ही रहेगा, बोलता रहेगा। अज इन्हां दी हुण जबान गुस्साखी माप खामोश, जो बंदा बैठा हो तो क्या मन भी उदा चुप होंगे? कदा ही नहीं, मन बोलता है।
चुप है चुप ना हो भाई जे लाहरा हां ले बता एक ले बता कोई चुप धारण कर ले ता भी मन नहीं चुप करदा मन ते एक ले अवतार बोल ही जांदा इस वास्ते मन दा नाम चंचल है पता चंचल केनु कहंदे चल 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 जो चल रहे है कभी रुकदा ही नहीं ते परमात्मा नु की कहंदे नहि चल निश्चल चलदा ही नहीं ठीक है व्यापक है जिन्हें एक थान तो किसे जाना है उन्हों चलना पड़ेगा तो जुड़ा है ही व्यापक उसको बाहर पे है ही नहीं कुछ इस वास्ते वो नहीं चल रहा तो चंचल नहीं है मन चंचल है तो नेचर नाल ताई जुड़ सकता है कि मन नेचर हो नेचर दो शब्द बचकाना कहे जाते हैं कि मन नो टिका के गुरबाणी पढ़ो ये ओही लोग कहंदे ने जिन्हां नूं मन दा कख वी नहीं पता दरअसल इंज कहना चाहिदा बाणी जपो ताकि मन टिक जाए मन दा टिक जाना ते फल है मन टिक गया ते मन मिट गया प्रभु प्रगट हो गया दूसरा होर शब्द भी गलत कहा जांदा है मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जा गलत कहंदे ने गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध हो जो पहले ही शब्द हो गए तो गुरुद्वारे आने की की लोड़ है ये दोनों शब्द गलत कहे जाते हैं मन को शुद्ध करके गुरुद्वारे का नहीं मैले मन ही लियाने ने गुरु ते धोबी है धोबे धोबी धोबे बेरे बेराता राम नाम वाका मन राता इतने तो मन को धोने वास्ते थे हमें मन को शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ गलत मन को टिका के गुरबाणी पढ़ो गलत बाणी जपो ताकि मन टिक जाए हुण मैं अर्ज करा पढ़न लग्या ते जपन लग्या फर्क है पढ़न विच ध्यान बाहर जाएगा अक्षर आ जाएगा ध्यान बाहर जाए बिना मन पढ़ नहीं सकता ते पढ़ना इतना लाभकारी होवेगा कुछ अर्थ बहुत दा पता चल जाएगा कि बाणी केड़ी अंग ते पता चल जाएगा बाणी ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਵੋ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ ਮਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕੰਠ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1961 ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਕਵੀ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਈ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ 1961 ਵਿੱਚ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਲਦਵਾਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਗਾਥਾ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਸਵੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਥੇ ਸਿੱਧ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਭਯ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਭਯ। ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਭਯ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭਾ 'ਚ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਭਯ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸਭਯ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੰਬੀ ਚੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੋਗਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਨ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਸਾਗਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸੀ ਅਤ ਡੂੰਘਾ ਅੜਿਆ, ਦਿਲ ਸਾਗਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸੀ ਅਤ ਡੂੰਘਾ ਅੜਿਆ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਾਦਾ ਤਾਨੇ ਘੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹ ਕੁਚੱਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਲੁਟਾਇਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾ ਖੱਟੀ ਖਾਲੀ ਪਿੰਡਰ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਸੁਣ ਉਹ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਰਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਦਸ ਵੀਹ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰਵਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਈ। ਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ। ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਾਈ, ਕਿੱਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਨਜ਼ਮ। ਜਿਸੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਨੇ, ਸਵਈਏ ਨੇ, ਸਲੋਕ ਨੇ,
दोहे ने पौड़ियां ने पदे ने और पदे भी कई पद ने दुपदे त्रिपदे चौपदे पंच पदे अष्टपदियां इत्यादि छंद हजारों किस्म के छंद बहुत सारे किस्म के जाप साहब देख सकते हो और बहुत मना छंद भुजंग प्रयात छंद एक अक्षरी छंद इस तरह के बेशुमार छंद दसम ग्रंथ के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साढ़े सामने रखे और जाप साहब के भारत देश काव्य शैली के हजारों नमूने बेशुमार नमूने और वाकई जितना ज्ञान का भंडार अज भी उठे है दुनिया के किसी कोने च नहीं है ये मनना पड़ेगा ईश्वरी ज्ञान का रुबाई कहने रुबा चार नु कहने ने चार पंक्तियां की कविता कहने रुबाई अरबी फारसी उर्दू मैं उन्होंने कहा मैं प्रिंसिपल साहब एक रुबाई मेरे अंदरों भी आई है जे तुसी सुनो एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया थे एक पत्थर सी बड़ा जहाँ उस पर बैठ के कहने को सुना उन्होंने मैं सुनाई थानू भी सुना लगा उन्होंने हिरदे को तस्वीर दी सागर ना मैं इसका थोड़ा जहा रूप बदल के उन्होंने सामने पेश किया उन्होंने रवाई तो दास की रवाई मैं थोड़ा दोवें सुना दें प्रिंसिपल गंगा सिंह बिल सागर दे वांगर सी अत डूंगा अड़िया ज्ञान विचार सिदकिया सिदक दे मोती पादा दाने अड़िया पर ए बाण कुचजी मेरी बाहर बोल लुटाया जब तब दी खट्टी ना खट्टी खाली फिर दर खड़िया इन्हों मैं इस तरह बयान किया दिल सूरज सूरज दे वांगर सी पिया लिशका मारे ज्ञान विचार सिदक दिया किरना परियां सिरजन आरे पर अफसोस मस्कीन इस ताई लगया ग्रहण उदीदा बोल बोल के चमक गवाई किरिया हुण अंधे हारे उदो मैनों गलो अखड़ी चुना लै लिया अखा भी उन्होंने भरिया हुई सन मैनू कह लगे लफ्ज़ वरत के उन्होंने जबान देते कई दफा आ जाता सी कम वक्त जिहड़ी गल मैनू 70 साल की समझ च आई है तेनू 21 साल च आ गई बोलन लग्या ध्यान दूजे ते आउंदा है सुनन लग्या ध्यान अपने ते आउंदा है ध्यान दूजे ते रखना बड़ा सौखा है बड़ा सौखा है ध्यान अपने विच रखना बड़ा कठिन है इस वास्ते साहिब ने कह दिता आखण औखा साचा नाम जपण लग्या ते ओही जप सकेगा जिहदा ध्यान अपने कोल है ओही सुन सकेगा नहीं ते बोलिया होया हवा छुड़ जाएगा जो बोलिया होया सुने ही नहीं गया मन नूं बदलेगा किस तरह और रस किवें बनेगा आनंद किवें बनेगा ते बाहर रह गया जिहड़ी भोजन की गुरकी मैं खाधी नहीं मेरी भुख किस तरह मिटेगी मेरा खून किस तरह बनेगा वो मेरी शरीर की तवानाई किस तरह बनेगी इस वास्ते जो सारियां तो निराश नहीं उदास नहीं वो अपने नेड़े नहीं आता ये भी मैं उस करते हैं निराश होना उदास होना ईश्वरी मार्ग का पहला कदम है किस गलों निराश होना किस गलों उदास होना कम से कम मैं संसार तो सुख नहीं मिल सकता निराश परिवार तो मेरी लोड़ा की पूर्ति हो सकती मैं सुख नहीं मिल सकता निराश पदार्थों तो मेरी लोड़ा की पूर्ति हो सकती है सुख नहीं मिल सकता निराश ये फिर उदास हो जाएगा खुद आसन अपने विच आसन अपने नेड़े आ जाए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते रे मन ऐसो कर सन्यासा मन से सदन सवै कर समझो मन ही माहे उदासा मन दे तल ते उदास हो जाना प्राचीन ऋषि मुनि जंगलां चले जाते सन उजाड़ में चले जाते सन कहते सन सहजे सहजे सब कुछ तो निराश होके एक दिन मन उदास हो जाए एक पुराना तरीका पुराने बजुर्ग ऋषि मुनि अपनाते सन ये गुरु नानक सहमत नहीं हुए ये कलगीधर पातशाह सहमत नहीं हुए ये भगत सिरमौर श्री कबीर भी सहमत नहीं हुए
मैं दो शब्द भारत विच कहे, चूंकि भारत दा दास दा सारा बोलिया है टीवी ते चला जा अल्फा वाले टीसी वाले नाल ही आए सन। लंदन दे जितना सारा प्रॉम से उन्होंने भर लिया, इतने भी आना से पर श्रोमणी कमेटी ने बुला लिया ते दास नूं भी कल वेदांती जी का श्रोमणी कमेटी का फोन आया भी 22 अगस्त तो रह के 1 सितंबर तक तुसी होर किधरे प्रोग्राम मनना है दरबार साहब करना, तो वापस चले गए। नहीं तो सारा प्रोग्राम भी उन्होंने रिकॉर्ड करना सी। मैं किधरे उत्थे बोलिया सी, टीवी ते चला गया, सारे बुद्धिस्ट लोगों ने भी सुनिया। मैं क्या बौद्ध धर्म जैन धर्म व्यक्तिगत धर्म है, समूहक धर्म नहीं है। समूहक धर्म सारिया का धर्म नहीं है, व्यक्तिगत कोई कला मनुख अपना सकता है, कोई कला मनुख भिक्षु बन सकता है। ये समूहक धर्म नहीं है, व्यक्तिगत धर्म है। केड़ा? बौद्ध धर्म जैन धर्म। अगर सारे भिक्षु बन जान तो फिर देगा कौन, किसी ने देना? इस वास्ते सारे भिक्षु नहीं बन सकते। अगर सारे भिक्षु बन के ग्रस्त त्यागी बन जाए, सारे बौद्ध धर्म को अपना लें, 200 साल बाद मनुखता तो इस जमीन खाली हो जाएगी। प्रभु का खेल नहीं चलेगा। वो तो खेलना चाहता है, वो तो खेल है तमाशा है। 200 साल बाद इस जमीन मनुखा तो खाली हो जाएगी। इस वास्ते जैन धर्म बौद्ध धर्म व्यक्तिगत धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि धर्म नहीं है, व्यक्तिगत धर्म है। महात्मा बुद्ध ने अपनाया ठीक है, किसी कले भिक्षु ने अपनाया ठीक है, ये समूहक धर्म नहीं है। क्योंकि सारे भिक्षु बन जान मन के गुजारा करने वाले तो फिर देगा कौन, ते सारे ग्रस्त दे त्यागी बन जान तो 200 साल बाद मनुखता तो इस जमीन खाली हो जाए। चूंकि 160 देशों दे प्रोग्राम जाता है, कई बोधियां दे मैनू फोन आए, पत्रकारां भी आईयां, कहने ठीक है सच्चाई जरूर है पर थोड़े बयान करन नाल सानू चोट लगी है। मैं कहिंदा तां सही है, जिन्हां दीआं चिट्ठियां सन मैं उन्हां नूं जवाब दिता, जद ये सही है फिर ते तुसी मेरा धन्नवाद कर दे, तुहानूं चोट क्यों लगी? चोट ते लगनी नहीं चाहिए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, मनुख भोजन का त्याग कर सकता है, भुख का त्याग नहीं कर सकता। मनुख पानी का त्याग कर सकता है, प्यास का त्याग नहीं कर सकता। दो शब्द होर सुन लेना गुरु नानक देव जी महाराज, मनुख ग्रस का त्याग कर सकता है, ग्रस दिया रुचियां का त्याग नहीं कर सकता। पंक्तियां थानू सरवण करावा, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके जा। पंक्तियां कितने जानिया गुरु नानक देव जी, नहीं हो सकता। ईश्वर का यह नियम ही नहीं है, परमात्मा का यह नियम ही नहीं है। भगत जितने गुरु ग्रंथ साहब बैठे हैं, राम श्री कृष्ण जितने अवतार ने, अथा के ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें ग्रस्ती है, विष्णु नाल लक्ष्मी करिए, पार्वती शिवजी के नाल खड़िए ग्रस्ती है, चोटी दे देव है, चोटी के अवतार राम ते कृष्ण ग्रस्ती ने। तो मैं क्या मनुख ग्रस्त का त्याग कर सकता है? ऐसी गल नहीं, कर सकता है पर ग्रस्त दियां रुचियां का त्याग नहीं कर सकता। इस तरह जैसे भोजन का त्याग कर सकता है, भुख का त्याग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म जैन धर्म व्यक्तिगत धर्म है, समूह धर्म नहीं। भावें वो भी इससे खड़ा है, उदास थे, निराश थे, सब कुछ तो निराश हो जाओ। तो प्राचीन ऋषि मुनि कहते सन, सब कुछ तो निराश होने वास्ते, उदास होने वास्ते, घर विच रह के ते घर तो उदास निराश होना बड़ा औखा है, कारोबार विच रह के निराश उदास होना बड़ा औखा है, तो चलो जंगल में सब कुछ छोड़ छाड़ के उजाड़ विच। सिद्ध गोष्ठ मौजूद है, सिद्धा ने गुरु नानक नूं इह आख्या सी, हरती भारती रहे निराले, रुख बिरख उदयाने, कंद मूल आहारो खाइए,
ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਟ ਰਸਤੇ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸਿੱਧ ਘੋਸ਼ ਰਾਮ ਗਲੀ ਮੱਲਾ ਕਹਿ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘਰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬੰਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਧਾ, ਅਜੋ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਾਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ? ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਬੀਰ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈਏ? ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਦੈ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸਮਝਦੇ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੋਠੀ ਨੂੰ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝਦੇ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਨ ਸਮ ਸਰ ਕੀਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਜਾੜ ਜੈਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇਖੀ ਫੋਕ ਬਜਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ। ਵਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਸਮਝੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਸਮਝੇ? ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਛੜ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਜੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਤ ਉਸਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਭਰੇਗਾ। ਤੀਰ ਲਗੇ ਤੋ ਪੀੜ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਜੈਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ।
आम हालत दे पानी पानी कहना कुछ और है, खून निकल गया है बहुत, गला खुश हो गया है और तड़प रहा है, हाय पानी ये कहना कुछ और है। शब्द का तीर लग गया है, हृदय बैरागी हो गया, तड़प उठे है, लोग दा खून ते विकारा दा खून मन चो निकल रहे थे, तड़प रहा होया मन, फिर कर दा है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये वाहे गुरु आखना कुछ हो रहा है। बहुत गहरा सरोता हो निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा अकल बड़ी महान हो गई तो तेरे संसार बड़ा छोटा हो जाएगा, दुनिया बड़ी छोटी हो जाएगी, कुछ भी नहीं, अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया की छोटी रे विद्वान निराश हो गए उदास हो गए। तीसरा संसार तो कोई चोट लग गई है, हादसा हो गया, दिवालिया हो गया, कोई अजीज अकारब संबंधी जो जान तो भी प्यारा सी अपने मोड़िया ले जाना पे शमशान, हृदय चोट खा गया, निराश हो गया, उदास हो गया। उदास होने दे निराश होने दे ये तीन कारण ने, स्रोता होना शब्द की चोट नाल निराश हो गया उदास हो गया, अपनी अकल की चोट नाल निराश हो गया उदास हो गया, या संसार तो किसी बहुत बड़े दुख की चोट नाल निराश हो गया उदास हो गया। जो अजे तक पूर्ण तौर पर निराश नहीं होया उदास नहीं होया स्रोता नहीं है, उस साथी माले की अकल भी बहुत वड्डी नहीं है, ओके ना होना, और अजे दुनिया तो भी कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो निराश हो जाना उदास हो जाना। निराश होया उदास होया फिर की करता है मनुख, ये सारा खुलासा मैं थोड़े सामने कल रखांगा, 5-10 मिनट ऊपर हो गए, 10-15 हो गए। गुरुद्वारा साहब नानक सर दे एक विचार आरंभ की थी हुई है, संसार सागर की तरह है, क्यों सागर की तरह है, शाम को इसका खुलासा चल रहा है, इस वास्ते दास ने इतने पहुँचना है। सारियां का धन्यवाद, बड़े टिकाव नाल सरवण कीता अपने, बार बार सारियां का धन्यवाद। और गुरमुख प्यारे महापुरख किसी उधर मैं हर खोवाल जाने का मौका मिले, मैं चंगी तरह याद है बरसी से 2-3 दफा दास ने हाजिरी भरी सी, बहुत वाइब्रेशन उतों दया लहर बड़िया महान सन, चंकी पूजनी कादमा का उदेरा उस स्थान नाल संबंधित महापुरशा वालों अपने वचन सरवण किए, तो आपका भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद, मुखी सजना का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। खुल चुक की क्षमा फतेह प्रवान करनी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु जी राम कृष्णला तीजा नंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मन पाया सतगुरु।